उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी इनकी जान। पीटीआई तो ऊपर फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, और उनके बड़े भाई जो एमपी हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस जेल से अस्पताल को लेकर गए वहाँ पर वो कंसर्न डॉक्टर्स नहीं थे जो पीटीआई जो पॉइजन उनको दिया गया, और उसके बाद उनको फौरन एक दिन के अंदर या दो दिन के अंदर वापस हॉस्पिटल जेल भिजा दिया गया जिससे उनकी मौत वाकई में हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये दूसरा ऐसा वाक़ हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ, अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाकई में हुई। सर अब तो मतलब इस पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है, राजनीति हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है, क्या पॉलिटिक्स हो रही है। सुनिए, एक आदमी तो मर गया जो जुडिशियल कस्टडी में है, ठीक है कोर्ट ने उनके ऊपर सेंटेंस दिया, मगर आपकी कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, और ये तो दूसरा वाकया है, इसमें पॉलिटिक्स क्या है? जब जुडिशियल कस्टडी में किसी की मौत हो रही है और उनकी फैमिली उस एप्रीहेंशन का इजहार कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग केस डाले हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई? एक आदमी की तो मौत हो गई ना, उसे पॉलिटिक्स करना क्या है? वो तो अपनी जान दे दिए, जान चले गए उनकी, तो पॉलिटिक्स क्या हो रही? अब जाने की जिम्मेदारी किस पर है? इसे पॉलिटिक्स क्या करना है? इसमें तो सच्चाई को जानना है, जस्टिस को जस्टिस करना चाहिए। बिगेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री द स्टेट इज बीइंग रन बाय रूल बाय गन नॉट बाय रूल ऑफ लॉ एंड दिस इज द सेकेंड इन इंस्टेंस वेर इन अ पर्सन हैज डाइड इन जुडिशियल कस्टडी। द होल वर्ल्ड हैज सीन दैट अर्लियर two convicted prisoners, one happened to be an ex-MP, was shot dead. Mr. Ansari was an ex-MLA and he was in judicial custody. And when this family has filed a case in Supreme Court stating to the Honorable Supreme Court that there is an apprehension by the family that he will be killed inside the prison. Now he dies and the family say that slow poison was given, and the surprising and shocking thing is that he was not taken to a specialist hospital. He was taken to a hospital where no proper medical attention was given to him. And the most surprising thing, shocking thing is that within a short span of time, he was sent back to the prison. So definitely what the family is demanding, I hope that the Uttar Pradesh government, in the interest of justice, in the interest of rule of law, will have an impartial inquiry. And the whole world should know what has happened. This is not on. This is not how people just go away, you know, just die in a judicial custody. Sir, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश जेलों में सुरक्षा नहीं है सर? इस तरह के कई सारे पिछले बार भी माइनॉरिटीज पे आपने बात भी उठाई, माइनॉरिटीज को वहाँ पर मारा जा रहा है, तो इस तरह के आरोप है। नहीं, आप सवाल आप भी कर रहे हैं, मेरा जवाब भी आप दे रहे हैं, तो सही है बिल्कुल। सर वन लास्ट क्वेश्चन, क्या सुरक्षा नहीं है क्या उत्तर नहीं? अब देखिए, अगर कोई हथकड़ी में दो प्रिजनर्स हैं और उनको पुलिस के सामने उनको गोली चला दी जाती है, और अगर कोई वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ फेसबुक पे अनाप शनाप बक ले, तो 48 घंटे में आप पहुंच जाते हैं उसको। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? रूल ऑफ लॉ से देश यूपी चलना चाहिए, रूल ऑफ गन से नहीं चलना चाहिए। इससे संविधान के ताल्लुक से, कोर्ट्स के ताल्लुक से जो इकबाल होता है ना, उस इकबाल को बरकरार रखना चाहिए। सर, यू आर अ बैरिस्टर, सो 600 लॉयर्स राइटिंग अ लेटर टू सीजेआई एंड प्राइम मिनिस्टर कॉलिंग इट बुलिंग एंड कांग्रेस इज आई नो नोन फॉर दिस। आई एम नीदर अ स्पोक्सपर्सन फॉर बोथ द पार्टीज, थैंकफुली। बट हाउ डू यू सी सर? आई नीड नॉट आंसर ऑन दिस।